सभी लोग सामने में जो मंदिर देखते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर है, इसमें रखा हुआ राम सेतु पत्थर जो पानी में तैरता है। राम भगवान लंका गए थे, जिस पत्थर का सेतु बना के गए थे वो पत्थर यहाँ पर रखा गया, यहाँ के महाराज जी के द्वारा रामेश्वरम से लाया गया। इसी मंदिर में एक गुफा भी है जिसको रिमुक्तेश्वर गुफा कहा जाता है। महाशिवरात्रि के टाइम उस गुफा की स्थापना हुई, ऐसा माना जाता है कि उसके दर्शन मात्र से अपने ऊपर जो ऋण रहते हैं वो उतर जाते हैं, उसके दर्शन में करते हैं। पहले मेन मंदिर चलते हैं। बाकी इस मंदिर में जो मूर्ति देखते हैं ये भी आर्टिफिशियल मूर्ति है, चट्टान काट के तराशी गई मूर्ति है कृष्णलाल जी के द्वारा, दूसरी मूर्ति है। तो दर्शन कराएंगे ना जिससे पाप करते हैं। कैमरामैन नहीं, चलो मेरा इंटरव्यू लेते हो चलो। तो हाय गाइस, सेल कैथवास, और आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ पचपड़ी। हम लोग पहली बार आए हैं ओके पूरी फैमिली के साथ, मतलब हम लोगों को कुछ पता नहीं है ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कैसे करते हैं, मगर कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को पचपड़ी बहुत अच्छे से और बहुत करीब से दिखा सकूँ। तो कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, मतलब यहाँ की सुबह हम लोग ने देखी, बहुत टाइम बाद ऐसी सुबह देखी जिसमें उठे, सही में उठे, थक के नहीं उठे, मतलब फ्रेशनेस के साथ उठे। इतना इतना अच्छा नेचर के इतने पास आके फिर से वॉइस और मूव, और तब भी वो हवा वो खड़ा है क्यों? ये पेड़ देखो, ये पूरा हवा में है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू चलने देना है। चलने तो बहुत बैठी है मेरे फैंस हैं, वो भी इनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और ये हमारे बहुत प्रिय भानु भैया, ये हमारे साथ एक मंकी है, मेरी ऑडियंस, ये हमारे साथ एक मंकी है, लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे। जोगिंदर सारा भाई, एंड आई एम शालिनी, एम आई सिंह, ये मेरे पापा चल रहे हैं आगे, पापा शालिनी हैज कम हियर विद हिज, एम आई सिंह, पापा दिख रही हूं, हां दिख रही हूं पापा, हाथ। ये हमारे फूफा जी हैं मिस्टर सुशील कैथवास। ये देखो यार कितना सुंदर है यार, कितना कितना देखोगे, सच में यार देखोगे आप, हर जगह देखो, ब्यूटीफुल, जिस जगह देखो ना, सच में जिस जगह देखो उसी जगह में दिल लग जाता है, पता है, उसी जगह को आप 5 मिनट तक देखते रहोगे। और मैं तो बोलूंगा अगर आप एमपी में रहते हो और एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, और आप यहाँ नहीं आए तो आपने अपनी लाइफ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। अब मेरा व्लॉग देख के लाखों करोड़ों लोग आपको देख आपके पास आएंगे। अरे वाह यार, ये तो पूरा, ये तो शोपीस के लिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर होते नहीं है, गमले वगैरह मिट्टी खाद वगैरह बुलवा के यहाँ पे महाराज जी लगवाते हैं, डेवलपमेंट चल रहा है। अभी यहाँ पर पांडव गुफा और राजेंद्र में भी जो पौधे लगे हुए हैं वो भी लगाए गए। अच्छा, कुदरती कोई पौधे नहीं उगे यहाँ, आ जाएंगे सर। तो अभी और नीचे है क्या? और नीचे चलना है अपन, 40 स्टेप और। हाँ, तो अभी अपन नॉर्मल हाइट से नीचे हैं, बहुत है ना, सरफेस से जो कितने नीचे होंगे, 250 फुट डीप में है अभी, 250 फुट नीचे है हम लोग पचमढ़ी में। यार यहाँ तो ठंड के टाइम में तो पूरा कोहरा बादल वादल सब कोहरा ही देखते हैं। आ जाएंगे सर सभी लोग। चलो, इसको बोलते हैं जिमनाम सिल्वेस्टर। इसको बोलते हैं जिमनाम सिल्वेस्टर, ये एक पत्ती लगभग 6 महीने ब्लड साफ करती है। क्या है जिमनाम सिल्वेस्टर? सिल्वेस्टर देख लो भाइयों, इसलिए गाइड करना जरूरी है। अगर आप पहली बार कभी विजिट करोगे ना तो गाइड जरूर करो, तो एक एक चीज आपको पता चलेगी, इंटरेस्टिंग लगेगा घूमने में और मजा आएगा। क्यों जी? जी जैसे अभी अपन ऐसे ही आते हैं तो अपन सीधा नीचे जाके ऊपर आ जाते हैं थक जाते हैं, और अभी अपन 10 मिनट चले होंगे, मगर 10 मिनट में अपन को इतनी चीजें पता चली कि ये यहाँ ये है, यहाँ ऐसा है, ये वैसा है, मतलब एक हाँ, तो वो घूमने में इसमें मजा। भलाई आप कम जगह कवर कर पाओ, मगर जितनी करो उसको डिटेल में करो, नॉलेज के हिसाब से भी, और तब मजा भी आएगा घूमने में। क्यों भानु भैया? हाँ बिल्कुल, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे आप? यहाँ पढ़ के आए आप यहाँ? जी नहीं। यहाँ पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, ये बता सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए कृपया सर्च करें पंचमढ़ी ऑन गूगल। मैं इतना फैक्ट बताना चाह रही हूँ, कृपया
रास्ते पढ़ के थोड़ी बताना, भक्तगणों के साथ चीटिंग थोड़ी करना करते हुए आवागमन बाधित ना करें। क्यों पापा बताएं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब अभी तक क्या अच्छा लगा आपको पचमढ़ी? सब मुझे सबसे अच्छा लगा है जो आश्चर्यजनक घटना है कि हमने आज तक जो पेड़ देखे, मैंने अपनी जिंदगी में 60 साल का होने को आ गया, पेड़ जमीन में लग के ऊपर ऐसा खड़ा होता है। यहाँ पे मैंने जो पेड़ देखा वो ऐसा ऐसा नीचे साइड खड़ा, ये तो है वो देख लो, हवा में लटक रहा था, ये मैंने दुनिया में आज तक कहीं नहीं देखा। वो पहाड़ में पत्थर है, पेड़ कैसे उग गया? पेड़ में उगा तो ठीक है, लेकिन वो नीचे तरफ है, पेड़ ऐसा नहीं खड़ा, पेड़ ऐसा आ जाइए ये मंदिर, इसको खा सकते हैं, इसको ब्लड साफ करने के लिए साफ कर लेना उसको पहले, थोड़ा साफ है, अरे भैया ने दिया, भैया की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन ये बताया कि नहीं भैया ने इतना, मुझे लगता है मेरे को एक ब्लॉगर और दिख रहा है, काफी स्कोप है इसमें। फ्लाइंग बीस्ट सर को बोलूँगा, सब सब इसमें कमेंट में फ्लाइंग बीस्ट सर को टैग करना और टैग करके बोलना कि एक बार पचमढ़ी विज़िट करें। अंकल आपके चैनल का नाम क्या है यूट्यूब पे जो आपका? जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, हाँ। आज हम आए हैं पचमढ़ी पे, कुछ बोलना चाहेंगे अंकल? हाँ, यहाँ बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य है और बहुत ही रॉक चट्टान यहाँ पर सुंदर सुंदर हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और यहाँ पर जटाशंकर के प्रसिद्ध मंदिर है जिसे लोग बहुत दूर से लोग देखने आते हैं, और बड़ा ही रमणीक और सुंदर स्थल है, और जो है बहुत ही सुहावना मौसम है। पचमढ़ी आके कैसा लग रहा है? और पचमढ़ी बहुत सुंदर लग रहा है, और पहली बार हम लोग पचमढ़ी आए हैं, बादल जो है पहली बार ऐसे बादल देखने में, पहली बार ऐसे बादल देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल हमारे पास से गुजर रहे हैं, हाँ पहाड़ों पे, और बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं, सारी वनस्पतियाँ यहाँ हैं जिनकी औषधियाँ पंचमढ़ी कुमार। हाँ हाँ नहीं जा रहा फोटो <था। laughs> वही तो नहीं जा रहा मैं कहीं, अरे नहीं जा रहा हूँ
तो है गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना। अगर मेरी फैमिली और मेरी पचमढ़ी की फैमिली के साथ छोटी सी ट्रिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं धीरे धीरे अपने आप को शार्प करूंगा ब्लॉगिंग पे, और बस यही है। और सब खुश रहिए, मजे में रहिए, और मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा, और धीरे धीरे मैं और भी ब्लॉग्स डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार।